जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें इतना प्यार प्रदान करने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाए ताकि आपको हमेशा अच्छे और सही जानकारी मिलती रहे। कमेंट्स में अपनी राय लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, गूगल प्लस पे जुड़ सकते हैं, जहाँ भी चाहें वहाँ आप जुड़ सकते हैं। स्टूडियो में बात करेंगे हम कि आप दुर्घटना से आपकी राशि आप कैसे बच सकते हैं। ये जितनी बातें हैं ये सड़क दुर्घटना से रिलेटेड हैं, बाकी अन्य दुर्घटनाओं के लिए मैं अलग से वीडियो बताऊँगा। सड़क दुर्घटना पर हम बात करेंगे और दुर्घटना से आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या उपाय आप करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें जो आपको हमेशा अच्छा अच्छी तरीके से सेफली अपने घर पहुंच जाए। भारत में हर 1 मिनट, हर 3 मिनट में एक दुर्घटना होती है। देखिए, एक इन 3 मिनटों में एक दुर्घटना घटित हो जाती है। तो कभी भी आप शिकार ना हो, क्या कारण होते हैं उसके पीछे मैं वजह भी क्लियर करूंगा और जो जो चीज़ें उन पर बात करेंगे। पहली और मुख्य बात है कि दोस्तों, हम शराब के नशे में अगर 100% जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में 50 से 60% दुर्घटना केवल शराब की वजह से होती है। शराब के नशे में अनकंट्रोल हो जाती गाड़ी और दुर्घटना हो जाती है। तो शराब पीकर कभी वाहन नहीं चलाना चाहिए। दूसरी बात है ओवर ड्राइविंग। ओवर ड्राइविंग से अर्थ है कि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चालक है, चलाने वाला, उसे आपने दिन में 8 घंटे चला लिया गाड़ी को और रात में भी आप चलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो नींद लग जाती है, झपकी लग जाती है और उससे भी दुर्घटनाएं कई बार हो जाती हैं। एक सबसे अधिक ये बातें सामने आई हैं। तीसरी बात होती है दोस्तों कि हम गाड़ी को बहुत स्पीड से, जो तेज़ी से जो चलाते हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी का चलना भी एक दुर्घटना का बहुत बड़ा वजह है। और चौथी और मुख्य बात है कि घुमावदार टर्न देश में बहुत है। जिगजैग जो रास्ते हैं हमारे देश में बहुत है। वो रास्तों पर, हम अनजान रास्तों पर गाड़ी जाती है जहाँ के रास्तों के बारे में हमें नहीं पता होता है और हम उस रास्ते पर स्पीड से गाड़ी बस चला रहे हैं और टर्न जो है वो टर्न में आकर अधिकतर टर्न में दुर्घटनाएं होती हैं। और कई सारी वजह हो सकती है दुर्घटनाओं की, हम उस पर बात अभी कई करेंगे, लेकिन अब इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी आप घर से बाहर निकले तो महामृत्युंजय का जाप करके निकलें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्युर्मोक्षी वामृतम्। महामृत्युंजय का जाप करके निकलें। दूसरी बात है कि अब जिस रास्ते पे जा रहे हैं, गूगल मैप से उस चीज़ को आप सर्च कर लें और गूगल मैप ऑन रखें। बहुत सी कारों में होते हैं लेकिन बहुत सी कारों में नहीं भी होता है, कहाँ पर टर्न आने वाला है, कहाँ पर घुमावदार, बिल्कुल आपके साथ बैक टू बैक आपके साथ मैप चलता है, तो उस मैप के हिसाब से आपको सब कुछ समझ आएगा कि कहाँ पर सीधा रोड है, कहाँ पर टर्न आने वाला है, कहाँ पर शहर या गांव आने वाला है, तो सभी चीज़ें जानकारी रहती हैं। तो वो चीज़ों पर भी आप, इन हाईटेक जो चीज़ें, इन पर भी फोकस करना है। तीसरी बात है दोस्तों कि सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाए या अपना हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाए, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथी बात, यदि कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो कहीं कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके साथ घबराहट हो जाएगी या कोई घबराहट में आप आ जाएंगे तो तकलीफ़ हो जाएगी। घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत रहें, मन को शांत रखें, जीवित हैं काफ़ी हैं, इस बात का गुमान रखें, इस बात पर आत्मविश्वास रखें कि हम जीवित हैं, हमारे लिए बहुत है। जो भी डैमेज है वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जीवित हैं बहुत हैं। आप 108 पर फ़ोन लगाएं, 100 नंबर पर डायल करें और मदद लेने की पूरी कोशिश करें, अपने परिचित आसपास जो भी हैं उनकी मदद की कोशिश करें, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, चाहे आप अपनी कार या बाइक में अपने साथ माचिस जरूर रखें, रात बिरात कभी भी कुछ भी हो तो आग लगाने का एक संसाधन होता है आग जलाने के लिए, तो माचिस हमेशा अपने साथ रखें, वो बहुत बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला एक छोटा सा टूल है लेकिन बहुत बड़ा कारगर चीज़ है वो भी। तो ये पूरी जो चीज़ें मैंने बताई है केवल ये अनुभव से बताई हैं, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बातें थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा हताश होता हूँ, निराश होता हूँ दुर्घटनाओं को देखकर। बहुत वाहन तेज़ी से चलाते हैं,
यातायात नियमों का पालन नहीं करते, बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और एक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई बार दूसरों की गलती हमें भारी पड़ जाती है। तो मैं जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ, मैंने बहुत शालीनता के साथ, बड़े विनम्रता के साथ जो बातें आपसे कही है उन्हें अपनाएं, आप शालीनता के साथ अपनाएं और इन चीज़ों को बिल्कुल आप सुनने के लिए नहीं, इन चीज़ों को अपनाएं अपने जीवन में, अपने दोस्तों को भी अपनाने के लिए बात ये कहें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। कमेंट्स में वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो की जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखिए, जय श्री महाकाल लिखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।